आदिपुरुष मूवी की ऐसी 5 गलतियां जिनके कारण हो सकती है मूवी बायकॉट। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते होंगे कि जब से आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर आया है तब से लोग इस मूवी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसके घटिया इफेक्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं तो कुछ घटिया डायलॉग्स और एक्टिंग की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आदिपुरुष मूवी की 5 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। नंबर 1, फिल्म का बजट। दोस्तों, आदिपुरुष मूवी का बजट 700 करोड़ बताया गया है और इंडिया में आज से पहले इतनी महंगी फिल्म कभी नहीं बनी, जिस कारण लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये मूवी काफी अच्छी होगी, लेकिन मूवी को देखने के बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इस फिल्म को बनाने में 700 करोड़ रुपए लगे हैं। नंबर 2, घटिया वीएफएक्स। दोस्तों, फिल्म के इतने हाई बजट के पीछे इसके वीएफएक्स को बताया जा रहा है कि इस मूवी में बहुत अच्छे वीएफएक्स को यूज किया गया है, लेकिन मूवी के वीएफएक्स को देखकर ऐसा नहीं लगता। इस मूवी के वीएफएक्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये लड़ाई 2 योद्धाओं में नहीं बल्कि 2 कार्टून कैरेक्टर के बीच में हो रही हो। इस फिल्म का ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल देखने में ही काफी घटिया लग रहे हैं। नंबर 3, डायलॉग्स। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वाली रामायण देखी है तो उस रामायण में डायलॉग्स इतने अच्छे और इमोशनल हुआ करते थे जिन्हें देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन आदिपुरुष मूवी में जितने घटिया डायलॉग्स बोले गए हैं मानो जो दिमाग में आया उसे ही लिख दिया, जैसे कि रामायण के डायलॉग्स नहीं बल्कि किसी दूसरी फिल्म के हों। नंबर 4, रामायण के साथ छेड़छाड़। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वाली रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि रावण की एक सोने की लंका हुआ करती थी और राम जी के चेहरे पर एक हमेशा मुस्कान हुआ करती थी, लेकिन आदिपुरुष फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म में ना तो कोई रावण की सोने की लंका है और ना ही राम जी के चेहरे पर मुस्कान। नंबर 5, सीता माता का अपमान। फिल्म के रिलीज होने के बाद कई लोगों का यह मानना है कि फिल्म में सीता माँ के किरदार को सही नहीं दिखाया गया है, उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए गए हैं जो सीता माँ के चरित्र को बिल्कुल नहीं दर्शाते हैं, और तो और पुरानी रामायण में सीता माँ का एक अहम किरदार था, लेकिन आदिपुरुष फिल्म में उनके किरदार को बहुत छोटा कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आदिपुरुष मूवी की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिस कारण इस मूवी को बायकॉट करने को कहा जा रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।